दोस्तों, अगर आपके विंडोज 11 पीसी पे सर्च फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, फिर आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं विंडोज 11 पीसी पे सर्च बार से रिलेटेड हर एक पॉसिबल फिक्सेस, जिससे कि आपके विंडोज 11 पीसी पे सर्च फंक्शन वापस प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दें। वेल, अगर आप जानना चाहते हैं वो सही फिक्सेस के बारे में, फिर इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फिक्सेस पे आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपके सिस्टम पे सर्च आइकन शो हो रही है या नहीं। अगर नहीं तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को इनेबल करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। फिर इस विंडो पे आप लेफ्ट साइड की पैनल पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको जाना है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे। उसके बाद राइट साइड की पैनल पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टास्क बार, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब इस नए विंडो पे यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च, और इसी के साथ एक रेडियो बटन इस फीचर को इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि ये ऑन स्टेटस पे है। अगर नहीं है तो आप इसे ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार विंडोज सर्च फंक्शन को ट्राई करके देख सकते हो। अगर इससे काम नहीं बनता है फिर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो कीजिए, जिसमें हम विंडोज एक्सप्लोरर को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की, फिर टास्क मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस विंडो पे यहाँ पे जो टैब्स है इन सभी में से आपको आना है प्रोसेसेस टैब पे, और इस लिस्ट पे आपको ढूंढना है विंडोज एक्सप्लोरर। फिर इसे सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक, और इन सभी ऑप्शंस में से रिस्टार्ट। फिर आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो। अब अगर इससे इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप सेकंड मेथड को फॉलो कीजिए, जिसमें हम दो सर्विसेज को ट्विक करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आर की रन विंडो को ओपन करने के लिए। फिर रन विंडो पे टाइप कीजिए सर्विसेस डॉट एमएससी एंड हिट एंटर। उसके बाद आपके सामने सर्विसेस विंडो शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब आप इस विंडो के राइट साइड की पैनल पे देखिए कुछ लिस्ट ऑफ सर्विसेस है, जिसमें से हमें ढूंढना है टच कीबोर्ड एंड हैंडराइटिंग पैनल सर्विस को। ओके, अब सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। फिर इन सभी ऑप्शंस में से प्रॉपर्टीज, अब इस नए विंडो पे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्टार्टअप टाइप, और इसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू, हमें सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए ऑटोमेटिक ऑप्शन को पिक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो टैब्स है इन सभी में से अब हमें जाना है रिकवरी टैब पे, और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू के साथ तीन ऑप्शन है इन सभी को रिस्टार्ट द सर्विसेज पे सिलेक्ट कर लेना है, और इसी के साथ ये दोनों ऑप्शन को जीरो पे सेट कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें वापस जनरल टैब पे आना है, और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि ये सर्विस रनिंग स्टेटस पे है। अगर नहीं है फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हुए इस सर्विस को रनिंग स्टेटस पे लेके जाइए। फिर ये सभी चेंजेस को सेव करने के लिए अप्लाई एंड देन ओके। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको इस लिस्ट पे ढूंढना है और एक सर्विस को, जो कि है विंडोज सर्च, और इसे भी सिलेक्ट करते हुए इस पर राइट क्लिक। फिर इन सभी ऑप्शंस में से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। अब इस नए विंडो पे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप टाइप ऑप्शन, और इसी के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू, हमें सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए ऑटोमेटिक ऑप्शन को पिक कर लेना है। अब हमें जाना है रिकवरी टैब पे, और यहाँ पे भी सेम ड्रॉप डाउन मेनू के साथ जो तीन ऑप्शन है इन सभी को रिस्टार्ट द सर्विस पे सेट कर लेना है, और इसी के साथ ये दोनों ऑप्शंस को भी जीरो पे सेट कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें वापस जनरल टैब पे आना है, और यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करते हुए
इस सर्विस को स्टॉप कर लेना है और फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हुए इस सर्विस को रनिंग स्टेटस पर लेके जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्विस रनिंग स्टेटस पे आ चुके हैं। फाइनली ये सभी चेंजेस को सेव करने के लिए अप्लाई एंड देन ओके। अब आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करके देख सकते हो। अब अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर अब थर्ड मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम शो रिसेंटली एडेड एप्स और रिसेंटली ओपन एप्स को डिसेबल करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। फिर इस विंडो पे आप लेफ्ट साइड की पैनल पे देखिए कुछ ऑप्शंस है जिसमें से आपको जाना है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे। उसके बाद राइट साइड की पैनल पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है स्टार्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस को टर्न ऑफ कर लेना है जिसमें से एक है शो रिसेंटली एडेड एप्स और दूसरा है शो रिसेंटली ओपेंड आइटम्स। फिर अब अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर अब फोर्थ मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम सर्च ट्रैवल शूटर को रन करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए अगेन आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। उसके बाद राइट साइड की पैनल पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैवल शूट, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। फिर इन तीनों ऑप्शंस में से आप हमें जाना है अदर ट्रैवल शूटर्स ऑप्शन पे। उसके बाद आपको अगेन थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च एंड इंडेक्सिंग और इसी के साथ एक रन बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से वो ऑप्शन को पिक कर लीजिए जो इशू आप बेसिकली फेस कर रहे हो। सेज मैं पहले वाला दो ऑप्शंस को पिक कर लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद इस विंडो में से ट्राई दिस रिपेयर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक कर लीजिए और अगेन वही सेम इशू को पिक करते हुए नेक्स्ट। और प्रोसेस कंप्लीट होने पे आप देख सकते हैं ये फिक्स स्टेटस पे आ चुके हैं। अब आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप फिफ्थ मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम सर्च हो सर्विस को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट की, फिर टास्क मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस विंडो पे यहाँ पे जो टैब्स हैं इन सभी में से अब आपको आना है डिटेल्स टैब पे और इस लिस्ट पे आपको ढूंढना है सर्च होस्ट डॉट exe। फिर इसे सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक और इन सभी ऑप्शंस में से एंड टास्क, फाइनली एंड प्रोसेस। उसके बाद आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप सिक्स मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम सर्च इंडेक्सिंग फीचर को एनहांस मोड पे डालते हुए साथ ही डिवाइस सर्च हिस्ट्री को क्लियर करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए अगेन आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। फिर इस विंडो की लेफ्ट साइड की पैनल में से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड की पैनल पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। फिर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च विंडोज, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एनहांस्ड ऑप्शन को पिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स के पास जो बैक आइकन है इस पर क्लिक करते हुए आप पिछले स्क्रीन पे आ जाइए और फिर स्क्रीन पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च परमिशंस, अब आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री पे और इस पर क्लिक करते हुए सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए। फिर आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप सेवन मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम इंडेक्स लोकेशन को चेक साथ ही इंडेक्स को रिवील करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आर की रन विंडो को ओपन करने के लिए और टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल एंड हिट एंटर। फिर कंट्रोल पैनल विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है व्यू बाई और इसी के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू,
आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब इन सभी ऑप्शंस पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है इंडेक्सिंग ऑप्शंस। आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक छोटा सा विंडो शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब इस विंडो पे यहाँ पे देखिए मॉडिफाई, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी बॉक्सेस है सभी को चेक कर लेना है एंड देन ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन एडवांस्ड, अब हमें इस पे क्लिक करना है और इस विंडो में से रिबिल्ड एंड ओके। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेगा तो आप वेट कर लीजिएगा। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। उसके बाद अब अगेन अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इशू था विंडोज सर्च से रिलेटेड वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे। अब अगर इससे भी काम नहीं बनता है फिर आप एक मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम हमारे विंडोज 11 पीसी को एक बार अपडेट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए अगेन आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। फिर इस विंडो की लेफ्ट साइड की पैनल में से विंडोज अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यह से आप अपना विंडोज 11 पीसी को अपडेट कर सकते हो। अपडेट प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप 9th मेथड को फॉलो कीजिए जिसमें हम विंडोज रजिस्ट्री एडिटर पे स्टार्ट रजिस्ट्री को ट्विक करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आर की रन विंडो को ओपन करने के लिए और टाइप कीजिए REG एडिट एंड हिट एंटर। फिर रजिस्ट्री विंडो आपके सामने शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब रजिस्ट्री विंडो पे यहाँ पे जो पाथ है इसे आप डिलीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ हमें डालना है वो ये वाला, हमें सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके कॉपी के ही पाथ को पेस्ट। वैसे ये पाथ आपको हमारा वेबसाइट techtipsexpress.com पे देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। ओके, अब एंटर प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड में से। फिर इस विंडो के राइट साइड की पैनल पे देखिए एक रजिस्ट्री है स्टार्ट, आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक करते हुए इसका जो वैल्यू डाटा विंडो है उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू डाटा फिलहाल 2 पे सेट है, आपको सिंपली इसे चेंज कर लेना है 4 से। फाइनली ओके इस चेंज को सेव करने के लिए। अब आप अपने सिस्टम को एक बार रिबूट करते हुए ट्राई कीजिए। अब अगर इससे इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप लास्ट मेथड को फॉलो कीजिए जिसके लिए आपको सिंपली एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेना है आपके विंडोज 11 सिस्टम पे। तो इसके लिए अगेन आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज प्लस आई की सेटिंग्स विंडो को ओपन करने के लिए। फिर इस विंडो के लेफ्ट साइड की पैनल में से अकाउंट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड की पैनल पे देखिए और एक ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं फैमिली एंड अदर यूजर्स, अब हमें इस पे क्लिक करना है। अब इस विंडो पे राइट साइड की पैनल पे देखिए एक ऑप्शन है ऐड अकाउंट, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। फिर इस विंडो में से इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए आई डोंट हैव दिस पर्सन्स साइन इन इंफॉर्मेशन और फिर एड ए यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पसंदीदा यूजर नेम को टाइप कर लेना है जो भी आप बेसिकली रखना चाहते हो। सेज मैं टाइप कर लेता हूँ TTE डेमो और फिर यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो अगेन सेम पासवर्ड को यहाँ पे भी टाइप कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ फिल करते जाना है। फाइनली नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया यूजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। ओके, अब नया यूजर अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो यूजर अकाउंट है इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस लिस्ट पे आपको वो यूजर अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिसे आपने अभी अभी क्रिएट की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TTE डेमो। आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए इस पे लॉगिन कर लेना है। देन विंडोज सर्च को इस नए यूजर अकाउंट पे ओपन करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिएगा आपका जो इशू था वो फिक्स हो चुके हैं।
है ना, बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें और नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर करें आपके लिए कौन सा मेथड काम किया, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में विंडोज 11 को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह विंडोज 11 वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।